बॉलिंग में भी अब्बास भाई आउट कर रहे थे तो वो लोग गए हैं, तो उनसे फर्क तो पड़ता है। लेकिन हमारे पास बॉलर्स हैं ऐसे जो कर सकते हैं, लेकिन इस मैच में कर नहीं सके। लेकिन इंशाल्लाह ताला बैठ के बात करेंगे तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मुजम्मिल, आपने मेंशन किया था चैट में आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज क्वेश्चन कर लीजिए। उमर, अस्सलाम वालेकुम। उमर, मेरा सलाम। क्वेश्चन ये है कि शान मसूद लीव कर गए न्यूजीलैंड टूर के लिए, देन हुसैन तलत ने लीव किया, तो साधन पंजाब अच्छा खासा बैलेंस कैरी करके आ रही थी, लेकिन फिर अब टूट मतलब परफॉर्मेंस उस तरीके की रिदम नहीं रहा। क्या समझते हैं मूविंग ऑन इनटू द टूर्नामेंट, अभी वो प्लेयर्स वापसी भी नहीं आएंगे, तो किस तरीके से आगे के प्लान करेंगे मैचेस की? यही है कि हमारा एक प्लेयर दिशान अशरफ है, वो भी वापस आ जाएगा, और इलियास है, तो अभी बहुत लंबा टूर्नामेंट है, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी बैठ के हम लोग बात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बैटिंग में भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच उमर आपके वक्त का। अब हमें असद शफीक ज्वाइन करेंगे सिंध से। असद, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने का हमें। मेरी जितने भी रिपोर्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेंशन कर दें चैट के अंदर या हैंड रेस कर दें ताकि हम क्वेश्चंस के सिलसिले का आगाज करें। असद, जब तक रिपोर्टर सारे मेंशन कर रहे हैं मैं ही आपसे फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं। देखा जाए सिंध ने पहले दो मैचेस ड्रॉ किए, थोड़ा सा अनलकी भी रहे क्योंकि टाइट बहुत ही क्लोज ड्रॉस थे। आज का मैच जिस तरह आप लोगों ने डोमिनेट करते रहे पिछले 3 दिन, कितना कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं अगले मैच में? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से हमने प्लान किया था कि हम लोग पहली इनिंग में स्कोर करेंगे लंबा ताकि फोर्थ इनिंग में यहाँ पे बैटिंग करना आसान नहीं होता, तो उसी हिसाब से प्लान एग्जीक्यूट किया। लेकिन हम लैग कर रहे थे, एक फास्ट बॉलर मीर हमज़ा मैच से पहले सही फील नहीं कर रहा था तो वो नहीं खेल सका। तो हमारा प्लान था 3 जेनुइन फास्ट बॉलर्स के साथ जाने का, क्योंकि इस पिच पे कोई ख़ास स्पिन तो होना नहीं था, तो उस चीज़ में हमने लैग किया। अगर एक फास्ट बॉलर और होता हमारे पास अवेलेबल तो उससे फ़र्क डाल सकते थे हम। और जिस तरह चौथे दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, या हम एज ए टीम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ होगा, थोड़ा अन अन जो है इवन होगा या हल्का सा स्पिन होगा, लेकिन वो स्पिन नहीं हुआ। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा बैट्समैन को, साउथ के पंजाब के बैट्समैन को, कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। ऑल्दो हमने शुरू में एक तेज़ आउट कर लिया था ऊपर से, लेकिन उसके बाद बड़े कंट्रोल से खेले। थैंक यू सर। मेरा अब रिक्वेस्ट होगी अली हसन से कि पहले वो क्वेश्चन कर लें, उसके बाद मुजम्मिल आप कर लीजिएगा और फिर बाजिफ जब्बार से क्वेश्चन लेंगे। असद, कैचेस भी ड्रॉप हुए तो क्या वजह थी कि इतना मौका ना आपने दे दिया उनको? ना तो काफी ऐसा लग रहा था कि आलू जो है ये मैच को ना अपने फेवर में ले जाएंगे। और दूसरा ये हाँ जी बताएगा कि सेकंड आवाज आ रही है मेरी सही? जी जी आ रही आ रही। दूसरा, सेकंड 11 से दो आपके पास सरप्राइजेस आए, एक तो ये अबरार जिसको खेलने में मुखालिफ टीम बड़ी मुश्किल फील कर रही थी उसके हवाले से बताइए, शाहनवाज ढाणी के हवाले से बताइए जिन्होंने लास्ट से एक मैच खेला था और अब उनको चांस मिला तो वो आपके लिए एक अच्छे बॉलर साबित हो रहे हैं, तो दोनों के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। जी बिल्कुल अली भाई, पहला आपने क्वेश्चन किया था कि कैचेस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो कैचेस छूटे हैं, अगर वो कैचेस हो जाते तो वहाँ पे ब्रेक थ्रू मिलता। और यू नेवर नो कि ये अबरार और जो शाहनवाज जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे, हम जो है मैच जीत भी सकते हैं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम इस तरह के फील्डिंग लैप्सेस ना हो। प्रैक्टिस जो हमारा सेशन होगा उसमें ट्राई आउट करेंगे कि और अच्छी तरह स्लिप कैचिंग की प्रैक्टिस करें। और आपने कहा कि शाहनवाज और अबरार दोनों जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे थे सेकंड लाइन से। अबरार तो वन ऑफ द आप कहें कि सरप्राइज पैकेज था, और उसने ऑल दो उस तरह से वो डिलीवर नहीं कर सका क्योंकि पिच उतनी सपोर्टिंग नहीं थी स्पिनर के लिए। तो मेरा ख्याल है आगे जो हमारे मैचेस हैं, जो स्टेट बैंक पे मैच है और फिर UBL पे भी एक मैच है, तो उसमें और ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं दोनों। बहुत मेरे हिसाब से एज अ कैप्टन मैं सेटिस्फाइड हूँ जिस तरह से उसने अपने पहले मैच में बॉलिंग की, और शाहनवाज भी दूसरा मैच खेल रहा था, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी बॉलिंग की दोनों। जी मुजम्मिल, असद, जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी, 141 रन किया आपने। असद, नेशनल टीम नेशनल टेस्ट टीम से ड्रॉप हुआ है और अब आते के साथ ही परफॉर्मेंस कर दिया आपका, और सरफराज अहमद का केस काफी सिमिलर हो गया। अब क्या समझते हैं कि अब आने वाले महीनों में कमबैक के लिए, और क्या ऐसा खास किया कि आते के साथ जैसे ही ड्रॉप हुए और परफॉर्मेंस भी आ गई, और आगे कैसे एम कर रहे हैं नेशनल टीम में कमबैक को? बहुत कुछ खास नहीं किया, मैं इस चीज़ को लैग कर रहा था, मानता हूँ कि मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे अच्छे स्टार्ट मिल रहे थे 30-40 के, लेकिन मैं उसको 100 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। मैं इस चीज़ पे काम कर रहा था, तो अल्लाह का शुक्र है कि इस मैच में जो है वो कन्वर्ट किया।
और जहाँ तक सिलेक्शन की बात है वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है यहाँ ग्राउंड में अपने आप को प्रूव करना। इंशाल्लाह आगे जो भी मैचेस आ रहे हैं उनमें कोशिश करूँगा कि और अच्छी इनिंग्स खेलूँ और ज़्यादा कंसिस्टेंट एज अ कंसिस्टेंट बैट्समैन अपने आप को प्रूव करूँ। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं वाजिफ, आप अपना क्वेश्चन कर लें प्लीज, अपने आप को अनम्यूट करके। जी अस्सलाम वालेकुम, असद वाजिफ जब्बार फ्रॉम cricket.pk। असद, वैसे तो मेरे दोनों सवाल कर लिए गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने सवाल को चेंज करके करता हूं कि आपको नेशनल टीम से ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन आपकी कारकर्दगी माशाल्लाह अभी भी अच्छी है, तो कोई एक्स्ट्रा प्रेशर है जहन पे टू गेट दैट प्लेस बैक, या बिल्कुल जो है विदाउट प्रेशर आप खेल रहे हैं ये टूर्नामेंट? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर सिर्फ इस चीज़ का था मेरे ऊपर जो मैंने खुद डाला था अपने ऊपर कि मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, और मुझसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा यही हो रहा था कि अच्छा स्टार्ट तो मिलता है लेकिन उसको बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। तो बस ये मेरे जहन में था कि यार इस चीज़ को ख़त्म करना है, क्योंकि अच्छी बड़ी इनिंग्स खेल के ही आप टीम की हेल्प कर सकते हैं और अपनी टीम को ऐसी पोजिशन में लेके आ सकते हैं कि जहाँ वो जीते मैच। तो मेरा आगे वाले जो आने वाले मैचेस हैं उसमें एम मेरा यही है कि अच्छा स्टार्ट मुझे मिलता है तो मैं बड़े स्कोर करूं ताकि उससे टीम को फायदा और सिंध की टीम जीते। अली, आप एक थोड़ा सा फॉलोअप करना चाह रहे थे, प्लीज जल्दी से कर लीजिए फिर, ताकि हो ठीक है, सके। असद आमतौर पर कहा जाता है जब किसी प्लेयर को टीम से ड्रॉप किया जाता है या तो उसकी परफॉर्मेंस का, वो कहा जाता है कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन कभी कोई ये नहीं बोलता है कि इसको हम किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं। जैसे आप खुद अपनी मेहनत कर रहे हैं, काजन ट्रॉफी में आती आपने 100 स्कोर कर दिए, यानी कि सेल्फ एफर्ट आप दिखा रहे हैं। तो किसी ने आपको एनसीए से अप्रोच किया, जो इतने क्रिकेट लेजेंड्स वहां पे जॉब कर रहे हैं, कि भाई आओ हम आपकी जो मिस्टेक्स हैं उसको हम पूरा सही कर सके, या सिर्फ आप अभी सेल्फ पे चलना चाहेंगे? नहीं, मेरी डायरेक्टली तो किसी से बात नहीं हुई, शायद असलम साहब से मेरी बात हुई थी बस, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी कि मैं आऊँ वहाँ पे और वहाँ पे टाइम गुजारूँ और कुछ किन चीज़ों पे काम करूँ। यूसुफ भाई से मेरी बहरहाल बात हुई थी, वो आए थे जब 2020 कप चल रहा था, तो उन्होंने मुझसे बोला भी था कि तुम आओ NCA, और फिर लेकिन उसके बाद वो बिजी हैं अब, जैसे ही टाइम मिलेगा उनको और फिर मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके पास जाऊँ और जो दो तीन चीज़ें हैं मेरी उनसे बात भी हुई कि इन चीज़ों पे काम करना है तो उस पे काम करूँगा और एज अ बेटर बैट्समैन इंशाल्लाह जो है वो प्रूव करूँगा अपने तो कौन सी दो तीन वीकनेस है जिस पर आप करवाना चाहते हैं अली काम अली आई थिंक वील हैव टू थोड़ा? रैप इट अप नाउ यहाँ पे। थैंक यू सो मच असद, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।